नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़ पर। अभी समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत अभी हम माँ कोचिंग सेंटर पर हूँ, जहाँ के क्लास 6 से लेकर 12 तक यहाँ सभी विषय की तैयारी की जाती है। यहाँ के डायरेक्टर श्री डी के सिंह से हम अभी बातचीत करेंगे। देखते हैं जो बच्चे किसी को अभी मैट्रिक की तैयारी करा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसी जगह चल रही है। यहाँ के डायरेक्टर स्वयं अपनी क्लास लेते हुए प्रक्रिया जो होता है दिखाइए, इसको क्या कहते हैं? लाइट प्रोसेस। जैव माने जीवित, प्रक्रिया माने होने वाली। आप देख रहे हैं यहाँ के डायरेक्टर डी के सिंह जी खुद को क्लास सजीव जितने भी होते हैं देख रहे हैं। माँ कोचिंग सेंटर के बच्चे सब हैं। है ना, बहुत सारी प्रक्रिया है। यहाँ तक कि मैं बता दूँ, सजीवों में उद्दीपन भी एक नई प्रक्रिया जो पहले हम लोग बच्चे में नहीं। अभी देख रहे हैं डायरेक्टर साहब खुद मिल रहा है, रिप्रोडक्शन से संबंधित ये अभी बता रहे हैं। सर आपको बीआरजी टीवी में स्वागत है। सर थैंक यू। कहने का मतलब जो अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? सर अभी बच्चों को हम जनन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सर पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा हुआ जी, उर्फ गुड्डू सिन्हा जी। जी ये कोचिंग सेंटर सर कितने दिनों से चला रहे हैं? लगभग सर 25 वर्षों से। 25 वर्षों से जी, 25 वर्षों से हम। किन किन चीजों की तैयारी करवाते हैं सर यहाँ? सर 10th तक सभी विषयों की तैयारी होती है, और इंटर लेवल पर 11th 12th में ओनली फॉर बायो और हिंदी का क्लास, हिंदी और भी शिक्षक आते हैं। और भी शिक्षक आते हैं, उनका एक रूटीन है और समय से वो अपने अपने क्लास में आएंगे। आप कोई बच्चे ऐसे का नाम बताइए जो कुछ नहीं? नहीं, हमारे तो लगभग सभी बच्चे इतने हैं जो आपके या कहीं भी उस क्षेत्र में वो जवाब अच्छी फसल दे सकते हैं, परंतु जहाँ तक ये कहिए तो क्लास के मॉनिटर की बात करें तो 2-3 विद्यार्थी हैं जो मॉनिटर का कार्यभार यहाँ संभालते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। श्रुति, अंशु, अमोद जो मॉनिटर हैं, राखी, जिनमें भी शामिल। सर छात्रों को और कुछ निर्देश देना चाहेंगे अपनी ओर से, बस डायरेक्टर की हैसियत से? मेरा तो उद्देश्य ही सर मूल रूप से यही है कि उनको अच्छे से अच्छे बच्चे को सर बताया जाए जी। नहीं, बच्चे अपना उद्देश्य जानते हैं और सब क्या एक सपना होता है, इनका पास इनका अपना सपना है और हम सभी शिक्षक प्रयास करेंगे। अच्छा, एक सपना की बात आ रही है जी, हम जानना चाहते हैं एक सपना। आपको बीआरजी टीवी में स्वागत है। कहने का आपका क्या सपना? सर बोल रहे थे जैसे बच्चे को अपने अपना सपना होता है, आपका क्या सपना है? आईएएस बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आईएएस बनना है जी, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत कर रहे हैं ना? मेहनत करेंगे और करते हैं। तो सभी आदमी आईएएस ही बनेंगे क्या? नो सर। आप अपना बताइए। सर हम पायलट बनना चाहते हैं। पायलट? यस सर। अच्छा, पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो अभी फिलहाल कितना देर मेहनत करते हैं? 5-6 घंटा। 5-6 घंटा कर लेते हैं। देखिए 5-6 घंटे कर लेते हैं मेहनत, भगवान आपकी इच्छा को पूरा करे। आपका क्या नाम? मेरा नाम बाली कुमारी है। आपका पढ़ने का मेन रीजन क्या है? सर मेरा पढ़ने का रीजन ये है कि मेरे पापा का सपना है। जी, पापा का सपना है। देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पापा के नाम रोशन के लिए भी पढ़ाई करते हैं, और कुछ सिर्फ पापा का नाम रोशन। कैसे करेंगे आप? सर सपना पूरा करना है और अपने पापा का नाम। कैसा सपना? किसको सपना लिए होंगे आप? हाँ, मेरे पापा का सपना है या तो मैं पुलिस में जाऊँ या तो बैंक में जाऊँ। जी जी जी, धन्यवाद। पा रहे वो विशेष ज्ञान है जी, ये आपको आपके जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ने में काम देगा।
लेकिन हम आपके व्यवहारिकता शिष्टाचार इस पर फोकस करना, चरित्र पर फोकस करना चाहते हैं, आपके करेक्टर पर, वो सही सलामत रहे ना। मेरा वो कहना है सर कि कपड़ा फट जा, चरित्र नहीं फटना चाहिए, समझे ना। कपड़ा फटलो रहेगा तो सिल जाएगा, लेकिन आपका करेक्टर अगर फट गया तो वो सिलने वाला कोई डर नहीं आएगा, समझे। तो हम बच्चे को उस रास्ते पर जाने से रोकना चाहते हैं जिसके लिए वो आकर्षित है, मोबाइल नहीं। कहा मैंने तो ये नहीं कहा कि मोबाइल खराब चीज है, कहा नहीं, लेकिन इसका मिस यूज आज के जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, ज्यादा गलत कर रहे हैं। अब वो लड़का मोबाइल लेगा तो मोबाइल पर पढ़ेगा नहीं, गप करेगा, व्हाट्सएप वीडियो बनना चाहिए, सब लूज हो जाएगा, आगे वो नहीं बढ़ पाएगा, उसको ब्रेक करवाए। गार्जियन इस बात को समझे तो वेलकम है, समझे। इसी में जिसको बुरा लगेगा, अच्छा सोचिए आदित्य क्यों नहीं आना चाह रहा है पता है, वो जान आप पढ़ने जाएंगे ना, सर जी रस्तों पैरा के खबर रखते हैं, रास्ता पैरा समझते हैं, तो रास्ते पैरे का भी खबर रखते हैं, इसीलिए वो चाहता है कि हम समझे। और हम ये नहीं चाहते, हम आपका आप आते हैं देखते हैं ना कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रही हो, क्या करते, तुरंत गार्जियन के कंसर्ट में रहते हैं, हम ये नहीं चाहते। ये बात आप जान लीजिए, आप क्या क्या करते हो, अभी तक कितने के घर पर भी हमने देख लिया है, देखा है ना पढ़ रहा है कि नहीं, गार्जियन से पूछा पड़ती है कि नहीं, ये मेरा इस चीज से बच्चा डरता है, ऐसा समझ बात। इसलिए मैंने एक कहानी बताया था ना कि एक गिलास पानी में आधा गिलास खाली हो आधा गिलास, दोनों का कहना सही है, आधा गिलास पानी है आधा गिलास खाली है, नजरिया क्या है वो है, कोई खाली देख रहा है और कोई पानी देख रहा है, तो बस आपका सोच पर निर्भर करता है कि आप उस मोबाइल का क्या उपयोग करते हैं, सही या वो दोनों में तैयार है क्या, समझे। एक बंदूक सरकार देती है लाइसेंस आपकी रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए, और एक तरफ उसी का भी यूज करके लोग क्या करता है, अपराधी बन जाता है, नहीं समझे, लूटता है वगैरह, है कि नहीं, उसी का दो उपयोग है, किसी का भलाई भी तो हम रक्षा भी तो कर सकते हैं। इतना ही जान लीजिए, आपको निबंध भी हम डालेंगे कि विज्ञान अच्छा है या विज्ञान अच्छा है या बुरा है, ये प्रश्न है, विज्ञान अच्छा भी है और बुरा भी है।